वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। मुझे अभी ट्रोल किया गया था, मगर मैं फिर से बोलना चाहता हूं कि अनपढ़ों की फौज लेकर कोई देश विकास नहीं कर सकता। उसको पढ़ाने की जिम्मेदारी शासन की है, वो तो विक्टिम है। जो व्यक्ति संविधान प्रदत्त अपने अधिकारों को नहीं जानता है, संविधान ने अपने पर जिस कर्तव्यों को डाला है उसको नहीं जानता है, वो देश के विकास में सहभागिता जितनी की जा सकती है इतना नहीं कर सकता। मगर उन्होंने एक इंटरप्रिटेशन कर दिया मेरी बात का कि मैं अनपढ़ व्यक्ति के खिलाफ हूँ। मैं अनपढ़ व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूँ, वो तो इस सिस्टम का विक्टिम है, मगर उसको पढ़ाने का प्रयास करने का शासन का दायित्व है। और मैं मानता हूं ये दायित्व पूरा नहीं कर सकता है, वो उसका गुनहगार है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री बने, तब मैं प्राथमिक शिक्षा की बात कर रहा हूं, लगभग 67% एनरोलमेंट था और 37% ड्रॉप आउट रेशियो था। तो 70% आप मान लो, उसमें से 40% ड्रॉप आउट होता है तो आप आ जाते हो 40%। ये जमाने में भी 60% लोग अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाते थे। उसमें कोई बड़े सर्कुलर निकारे बगैर उन्होंने एक कार्यक्रम, स्कूलें तो बनी हुई थी, शिक्षक भी थे, उन्होंने एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम लिया, जेंडर रेशियो और बच्चों को पढ़ाने का कार्यक्रम, और एक शेड्यूल बना दिया कि शिक्षा के अभियान के लिए मुख्यमंत्री से लेकर पटवारी तक सारी शासन व्यवस्था 7 दिन 45 डिग्री टेम्परेचर में गांवों में जाकर एक दिन में 5 स्कूलों में प्रवेश महोत्सव करेगी। और उसके बाद में 60% एनरोलमेंट तो हो गया, बाद में क्या ड्रॉप आउट हो जाएगा? तो माताओं की एक समिति बनाई हर स्कूल में, जिसका अध्यक्ष वो स्कूल में जो महिला शिक्षिका होती थी उसको बनाया, और जो बच्ची या बच्चा नहीं आता था वो माताएं उसके घर पर जाकर समझा कर लाने का काम करती थी, और ड्रॉप आउट रेशियो को 67% से 0 और 1 के बीच में लाने का काम किया। और जब ये उपक्रम 6 साल तक स्थायी हुआ, उसमें गुणवत्ता पर जोर देने के लिए गुणोत्सव नाम से एक कार्यक्रम किया, जिसमें सारे लोग जाकर प्राथमिक शाला जो है सरकार की, जिसकी गुणवत्ता के लिए बहुत सारे सवाल उठाए जाते थे, उसकी गुणवत्ता को ऊपर उठाने के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया गया। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।